राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व पहाड़ों पर तबाही मचाने के बाद पश्चिम यूपी में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। पश्चिम यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में आने से जनजीवन बेहाल हो गया है। गंगा यमुना जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते पश्चिम यूपी के मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कन्नौज, शामली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और इटावा जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बदायूं में कछला ब्रिज पर गंगा और मुजफ्फरनगर में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आंकड़ों के मुताबिक सहारनपुर जिले के 92 गांव और 16 शहरी इलाके, वहीं मुजफ्फरनगर जिले के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। यहां के रहने वाले हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। सीएम योगी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सहारनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी के अलावा पूर्वी यूपी में भी जल प्रलय देखने को मिल रहा है। यहां सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते यूपी में अभी तक लगभग 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, साथ ही बड़े स्तर पर जनजीवन प्रभावित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवार, सियासत में आया भूचाल, देखिए कितना बदला प्रदेश।